शासन एक और गांव में ही रोजगार मुहैया कराने की बात कह रही है, जिससे गांव के गरीब लोगों की आजीविका सुचारू रूप से चल सके। लेकिन धमतरी जिला के बोईर गांव के 23 मजदूरों को आज 2 साल से मजदूरी न मिलना इस योजना की एक नई कहानी बयां करती है। का काम करे हो रोजगार गारंटी में? रोजगार गारंटी में हमन करे हैं रोड काम और तालाब गहरीकरण। के साल हो गए? 2 साल हो गए। तो 2 साल हो गए हैं चेक पकड़े अभी तक के हमन हन। अब जब चेक के पैसा नहीं मिली, मगर आज तक के साल भर होने जा रहा है, मगर सरपंच अभी तक के कुछ नहीं करे है। चेक अभी तक के सरपंच रखे है का रोजगार सहायक रखे है ये मालूम नहीं है। जब चेक आप मन के पास रही तो आप मन पैसा के लिए जात रहे हमन है पैसा बार कहाँ जात रहे? पोस्ट ऑफिस सिंहपुर में, तो वहाँ गेन के लिए तब वहाँ पोस्ट ऑफिस वाला की ही कि हमारे लिस्ट में नाम नहीं आया है, ये चेक के पैसा हम तुम अल्लाह नहीं दे सकन। कितना बार गए आप? 2-3 बार पहुँच गए हैं, मोर अकेला कनो है। अब आगे कहा चाहूँ मैडम, पैसा मिले मेहनत के ऐसे करके चाहत हैं, लेकिन कोई रास्ता बताने वाला नहीं हो पाती। वो तो पैसा च नहीं मिले तो बोल के कैसे करूँ मैडम, और नहीं मिले तो ये दिक्कत लग बता डर। अपन मेहनत करे हैं तलक कहीं भी से, ओकर बहुत 2 पैसा लग जाए वो तैयार हैं, लेकिन पैसा मिले बराबर। सड़क निर्माण और तालाब गहरीकरण का भुगतान नहीं हो पाया था, इस मुद्दे पर मैंने वर्ष 2016 में एक वीडियो बनाया था। मेरे वीडियो बनाने के बाद क्या कोई बदलाव आया है? अपन के नाम का है पंचूराम ध्रुव। गांव के नाम? बोईर गांव। कौन सा जिला आते हैं? धमतरी जिला। अच्छा, का समस्या रही पहले आप मन के? हमारा रोजगार गारंटी कमा रहे थे, पैसा नहीं मिले रही से। कब से नहीं मिले रही से? लगभग 1.5 साल हो गए रही से। कौन सा काम के रही से? तटबंध। फिर कैसे करे? फिर इसने मिली कि कहा रही से, ओकर बाद आप मन आए तब रास्ता बताओ कि जिला में चलो कलेक्ट्रेट में लोकपाल करे तो वहाँ जाए, वहाँ शिकायत करें, ओकर बाद फिर आ रही से लोकपाल यहाँ हमला पूछताछ करीस, ओकर बाद सरपंच प्रतिनिधि मल बलिस तहन फिर हमार माँ के एक झन के पैसा मिल गए। ओकर हमला फिर बोले दोबारा तहन पोस्ट ऑफिस में आधा मिलिस, ओकर बाद पूरा पैसा ला ये देना बैंक में दे दीस, वहाँ से देना बैंक से प्राप्त हुई। कौन सा जगह के देना भाई? कौन सा गांव के? भैंस मुंडी मंगल रोड। मंगल रोड के। सबसे पहले तो वीडियो वाले टेयर्स रीना दीदी माला धन्यवाद देबो, ओकर बाद वो गंभीर चंद्राकर वो भी अच्छा काम करी से वो पैसा दिले से लोकपाल। हाँ लोकपाल। सर बोईर गांव का क्या मामला था? तो मनरेगा में मजदूरी काम किए थे, मनरेगा था वो, पंचायत उसका नोडल एजेंसी था, तो पंचायत के द्वारा उनको भुगतान नहीं हुआ था, है ना। धमतरी जिला के ही केस है वो, तो धमतरी में हमारा शिकायत में आए थे, उसमें आप भी तो आए थे, है ना, आप उन लोगों को साथ में लेके आए थे शिकायत के लिए, और जिस दिन आपसे बातचीत भी हुआ और उसी दिन हमने प्रकरण दर्ज किया, और प्रकरण दर्ज करने के बाद जाँच प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के बाद आज नतीजा ये है कि लोगों को भुगतान हो रहा है और कुछ त्रुटि बस नहीं हो पाया है, उसको सुधार के लिए भेजा गया है। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मजदूरों की मजदूरी दिलाने में मदद किया। साथ ही आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आप सभी धमतरी जिला के लोकपाल सम्माननीय श्री गंभीर चंद्राकर जी को उनके मोबाइल नंबर जो है 8718831106 इस नंबर पर फोन कर धन्यवाद प्रेषित करें, जिन्होंने मजदूरी दिलाने के लिए कार्यवाही किया। मैं रीना, ग्राम बोईर गांव, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।